दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जिसमें कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब थी। ट्रेविस हेड 5 रन बनाकर सिराज का शिकार बने थे। इसके बाद मिचेल मास्क और कप्तान स्टीव स्मिथ ने दूसरे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी निभाई थी। स्मिथ को हार्दिक पांड्या ने विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराया, वह 22 रन बना सके। इसके बाद मार्श ने लबुसेन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी निभाई। मार्श को जडेजा ने सिराज के हाथों कैच आउट कराया, वह 65 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से 81 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौटे। मार्श के आउट होते ही पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम ढह गई। लबुसेन को कुलदीप ने जडेजा के हाथों कैच कराया, वह 15 रन बना सके। इसके बाद मोहम्मद शमी का कहर देखने को मिला, उन्होंने अपने 3 ओवर में 3 विकेट लिए। सबसे पहले 28वें ओवर में जोश इंग्लिश को बोल्ड किया, इंग्लिश 26 रन बना सके। इसके बाद 30वें ओवर में कैमरन ग्रीन को बोल्ड किया, ग्रीन 12 रन बना सके। फिर 32वें ओवर में मार्कस स्टोनिस को स्लिप में सुमन गिल के हाथों कैच आउट कराया, स्टोनिस 5 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा ने मैक्सवेल को हार्दिक के हाथों कैच आउट कराया, मैक्सवेल 8 रन बना सके। वहीं सिराज ने सोन एबॉट और एडम जंपा को आउट कर ऑस्ट्रेलियाई पारी को 188 रनों पर समेट दिया। शमी और सिराज ने 3-3 विकेट लिए, जबकि जडेजा को 2 विकेट मिला। हार्दिक और कुलदीप ने 1-1 विकेट लिया। 179 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत खराब थी। 39 रन तक भारत ने अपने सिर्फ 4 बल्लेबाजों को गवा दिया था। ईशान किशन 3 रन, शुभमन गिल 20 रन, विराट कोहली 4 रन और सूर्य कुमार यादव खाता खोले बिना आउट हुए। शुरुआती चारों में से 3 विकेट मिचेल स्टार्क ने लिए। वहीं स्टोइनिस ने ईशान के अलावा हार्दिक पांड्या को आउट किया। हालांकि राहुल और जडेजा ने पारी संभाली और दबाव को झेलते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई। राहुल ने वनडे करियर का 13वां शतक लगाया, वह 91 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 75 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं जडेजा ने 69 गेंदों पर 45 रनों की पारी में 5 चौके लगाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टार्क ने 3 और स्टोइनिस ने 2 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। अब अगला वनडे रविवार को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 16 बार हराया है। दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन और एक अच्छा प्लेयर मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।